लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज रायबरेली के दौरे पर आ रहे हैं। राहुल गांधी यहां डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे और फिर दिशा की बैठक में भी शामिल होंगे। इसके अलावा राहुल गांधी उद्घाटन और शिलान्यास से जुड़े कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे, क्योंकि ये हमारे नगर पालिका चेयरमैन शत्रुघ्न जी ने उनका एक शहीद चौक पे डिग्री कॉलेज चौराहे के ऊपर इन्होंने अपना एक चौक बनाया है, रिनोवेशन किया उसका, नई उस पर किया, उसका उद्घाटन राहुल जी से कराएंगे। उसके बाद फिर पीएमजीएसवाई की सड़कें हैं कुछ जो सांसद लोकल करता है, तो वो उसका शिलान्यास और उद्घाटन वो चीज़ें होंगी वहाँ पर, जनहित के मुद्दे और जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं यहाँ पर उनकी क्या प्रगति है, क्या उनके ऊपर चल रहा है, ये सारी चीज़ों का वहाँ पे डिस्कशन होगा। उस समय मनरेगा भी होगी, प्रधानमंत्री आवास भी होंगे, मतलब जो भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं उसमें आयुष हेल्थ से रिलेटेड भी होगा, एनएचआई से भी रिलेटेड होंगे, ये सारी चीजें उसके अंदर उठेंगी। राहुल गांधी का ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव चल रहे हैं। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी भी यूपी उपचुनाव में प्रचार करेंगे। ये सवाल उठने की वजह दरअसल ये है कि जब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से ये पूछा गया था कि क्या सीट शेयरिंग पर उनकी बात कांग्रेस हाई कमान या राहुल गांधी से हुई थी, इस पर उन्होंने कहा कि हाँ, हमारी बात कांग्रेस नेताओं से हुई थी। अब कहानी यह है कि 9 सीटों पर हो रहा उपचुनाव विधानसभा चुनाव से पहले का लिटमस टेस्ट है, इसलिए अखिलेश यादव इस बार खुद प्रचार में उतरेंगे। इससे पहले कई उपचुनावों में अखिलेश की पार्टी प्रत्याशी तो घोषित करती थी लेकिन लोकल लीडर्स की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाता था। यूपी के सियासी इतिहास में यह दूसरा उपचुनाव होगा जिसमें अखिलेश यादव प्रचार करने उतरेंगे। ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि 2027 के चुनाव के पहले इंडिया अलायंस को और ज्यादा मजबूत बनाने और दिखाने के लिए अखिलेश और राहुल संग संग उपचुनाव में प्रचार करें। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इंडिया अलायंस की मजबूती का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं, अब आम आदमी पार्टी ने भी सपा को बिना शर्त समर्थन और सपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार का ऐलान कर दिया।